वालेकुम। सूफिया चाय वाली। उठकर सुबह की चाय पी। क्या हो रहा है अम्मी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नदीम के ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम। स्टेशन आकर हम सब बैठ गए थे। मामू और अम्मी अपनी अपनी बातें कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर हो गई ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ट्रेन आएगी नहीं। आपको एक हंसी की बात बताती हूँ। हम दोनों यहाँ बैठे थे, अभी एक मांगने वाली आई और वो बोल रही है कि हमारा जोड़ा सलामत रहे। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन ये मेरा छोटा भाई है, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। ट्रेन आ गई थी और हम सब लोग ट्रेन पर चढ़ गए थे। ट्रेन पर चढ़ने के बाद सब लोग अपने अपनी सीटों पर बैठ गए थे और ट्रेन एकदम तेज़ी से चलती जा रही थी। ट्रेन में बैठ जाने के बाद भी मामू अम्मी और पापा की बातें ख़त्म नहीं हो रही है। इलाहाबाद में बैठ गए हम और कल सुबह पहुँचेंगे। दोपहर के 2 बज चुके थे और सबको बहुत तेज भूख लग रही थी और अम्मी फटाफट खाना सबको परोस रही थी। खाने में आलू की सब्जी, अचार, पूड़ी, मिठाई, अचार, नमकीन सब कुछ था। खाकर मज़ा आ गया और सबको एकदम ताजगी मिल गई। चार बज गए थे और हम लोग बीकानेर पहुंच गए थे। बीकानेर पे हम लोगों ने चाय पी और फ्रूट वाला दिखा तो हमने उससे फ्रूट लिया और उसके बाद उस फ्रूट से हमने फ्रूट चाट बनाई। वहाँ एक बंदर भी आ गया था, शायद लगता है उसको भूख लगी होगी इसलिए वो बनाना खा रहा था। बीकानेर में ट्रेन शहर के बीचों बीच से निकलती है। मैं हर साल की तरह इस बार मैंने सबको हाय हेलो किया। ये मेरी पागलपंथी करने की आदत कभी बदली नहीं। शाम हो चुकी थी। बीकानेर से जो फ्रूट लिए थे उससे अम्मी फ्रूट चाट बना रही थी। हम सब लोगों ने वो फ्रूट चाट खाई। तो अम्मी ने फ्रूट चाट बना दी। बीकानेर से फ्रूट लिए थे हमने। बहुत जरूरी है ट्रेन में भी साबुन से फेस धोते हुए, इनके बिना इनका काम नहीं चलने वाला है। रात के 1 बज गए, सुबह जल्दी उठना है इसलिए मैं सो रहा हूँ। कितना फॉग है।
के पहुंच चुके हैं हम लोग, हम देख सकते हैं काफ़ी ठंड है यहाँ। हम लोग कलियर पहुंच चुके हैं, होटल खाली नहीं है, 9 बजे के बाद सारे होटल खाली होंगे, तब तक के लिए हम लोग चाय बनवा रहे हैं और चाय पियेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। सूफिया चाय वाली होटल हमें मिल गई थी और हम लोग होटल में नीचे रिसेप्शन में बैठे थे। दिल्ली में होटल मिल गई है, साबिर पाक की दरगाह से फारिग होकर हम लोग रिक्शा से बाबा फरीद की दरगाह, जो साबिर पाक की मामू जान है, उनकी दरगाह पर हाजिरी देने के लिए गए। उनके नाम की नौबत आज बस्ती, जो आप आगे देखिए। साबिर पाक का उर्स ख़त्म ही हुआ था और मेला अभी भी लगा हुआ था, हम लोग मेले में गए, हमने वहाँ मेला देखा। मेला देखकर चाय पीने के लिए हम चाय की दुकान पर आए, वहाँ पे एक बहुत अच्छी शायरी लिखी हुई थी, सोचा इसको भी थोड़ा ले लूँ। अगले सुबह हमने साबिर पाक के नाम से लंगर बनवाया है, लंगर में पुलाव और सूजी का हलवा है, जो हमने वहाँ जरूरतमंद को बंटवाया और वो लंगर हमने भी खाया। रात के खाने से हम लोग फारिग होकर साबिर पाक की दरगाह पर आए, ईशा की नमाज़ यहीं पे अदा की और आप लोग रात की दरगाह का मंजर देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत भीड़ है। फ़ोन फुल हो जाने की वजह से ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाए। अगले सुबह हम रुड़की से जोधपुर आ गए।